नमस्कार, आप देख रहे हैं जीओवी न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा तरीन खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। चिदंबरम को 5 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेजा गया। 26 अगस्त को कोर्ट में होगी पेशी। आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को बड़ा झटका लगा है। सीबीआई ने 5 दिनों की रिमांड की अपील की थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को 26 अगस्त तक रिमांड पर भेजने का फैसला किया है। हालांकि सीबीआई अदालत ने सीबीआई के अधिकारियों को ताकीद दी है कि रिमांड के दौरान आरोपी की गरिमा को चोट नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही चिदंबरम के परिवार और वकील को उनको आधा घंटा रोज मिलने का वक्त दिया जाना चाहिए। 26 अगस्त को जब उन्हें कोर्ट में पेशी की जाएगी तो उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोहराए भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात। कहा, नए मंत्री ट्रांसफर गेम से दूर रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल में शामिल किए गए नए मंत्रियों से कहा है कि वे ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले से दूर रहे। बुधवार को देर रात नए और पुराने सभी मंत्रियों को संबोधित करते हुए योगी ने कहा है कि भ्रष्टाचार पर हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है और यदि कोई इसमें लिप्त पाया जाता है तो हम उसके कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के नए सदस्यों के कार्यभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को दोहराते हुए योगी ने कहा है कि आपको इस बात पर ध्यान रखना होगा कि आपके परिजन आपके मंत्रालय के कामों में हस्तक्षेप न करें। आपकी जीवन शैली साधारण रहे और लोगों के प्रति आपकी संवेदनशीलता और जवाबदेही होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मंत्रियों को अपने निजी कर्मचारियों पर ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि उनकी भ्रष्टाचार में लिप्त होने की आशंका बनी रहती है। दुनिया की दुद्कार झेलने के बाद हिंदुओं की शरण में जाएंगे इमरान खान। कश्मीर पर मांगे के समर्थन। जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को खत्म करने के भारत सरकार के फैसले से परेशान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी बात उठाने के लिए हर तरह के पैतरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी कड़ी में इमरान खान ने तय किया है कि वह पाकिस्तान के हिंदू समुदाय और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय को जनसभा को संबोधित करेंगे और उन्हें कश्मीर पर अपने रुख से अवगत कराएंगे। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के साथ एकजुट के रूप में भी प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों ने जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के किसी भी बयान को सुनने से मना कर दिया है। सभी देशों ने संदेश दिया है कि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मसला है। कश्मीर के हालात को लेकर के अपने बयान पर कायम सेहला राशिद। कहा, सेना जांच बैठाए तो सबूत दूंगी। जेएनयू की पूर्व छात्रा और कश्मीरी नेता सेहला राशिद ने घाटी में अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के हालातों को लेकर के ट्वीट किया है। सेहला राशिद ने ट्वीट के माध्यम से दावा किया है कि भारतीय सेना द्वारा घाटी के लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। सेहला राशिद ने एक के बाद एक करीबन 10 ट्वीट किए हैं जिसके बाद भारतीय सेना सेहला राशिद के सभी दावों को खारिज करते हुए इसे फेक न्यूज करार दिया है। खुशखबरी, अक्टूबर से लौटाएंगे दूध के पुराने पैकेट तो मिलेगी बड़ी छूट। देश भर में प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के लिए भारत सरकार गंभीरता से कदम उठा रही है। से नो टू प्लास्टिक अभियान को आगे बढ़ाने के लिए पशुपालन और मत्स्य मंत्रालय ने बड़ी योजना बनाई है। योजना के मुताबिक दूध और दूध से बने उत्पादों को पैक करने के इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक को रिसाइकिल करने की योजना बनाई जा रही है। इसमें पैकिंग के इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक को ग्राहकों से वापस लेकर के उनको रिसाइकिलिंग की जाएगी और प्लास्टिक लौटाने पर ग्राहकों को दूध, दही, पनीर, छल्ला, लस्सी और आइसक्रीम जैसी चीजों को बड़ी छूट दी जाएगी। यानी एक तरफ से जनता को दूध और दूध से सामानों की बढ़ती कीमतों की थोड़ी राहत देने वाली है, वहीं इसमें प्लास्टिक से पैदा होने वाले प्रदूषण को भी कम किया जा सकेगा। अभी ब्रिटेन की जेल में रहेगा नीरव मोदी। 19 सितंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। भगोड़े हीरो कारोबारी नीरव मोदी की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी गई है। नीरव मोदी को अभी 19 सितंबर तक और जेल में रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि नीरव मोदी ब्रिटेन की जेल में बंद है। इससे पहले जुलाई में ब्रिटेन की एक अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में नीरव मोदी की न्यायिक हिरासत को 22 अगस्त तक बढ़ाते हुए उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था। भारी बारिश से हरियाणा और पंजाब में पड़ी महंगाई की मार। टमाटर 80 रुपए तो प्याज 50 रुपए किलो। देश भर में कई हिस्सों में भारी बरसात की वजह से आपूर्ति प्रभावित होने के कारण इस हफ्ते पंजाब और हरियाणा में टमाटर और प्याज के दाम दुगने होकर के 80 रुपए और 50 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। व्यापारियों ने यह जानकारी दी है। इन दो राज्यों के साथ पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ है। टमाटर, मूंगफली और फलिये जैसी अन्य प्रमुख सब्जियों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। पंजाब, हरियाणा और उसकी राजधानी चंडीगढ़ में प्याज का खुदरा दाम 50 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। रामलला के पक्षकार ने कहा है कि भगवान राम का जन्म स्थल अपने आप में देवता है, कोई मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता है। रामलला की ओर से पैरवी कर रहे एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कहा है कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म स्थल अपने आप में एक देवता है और कोई भी महज मस्जिद जैसा ढांचा खड़ा कर इस पर मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता है। दशकों पुराने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में पक्षकारों में से एक रामलला विराजमान ने कहा है कि हिंदुओं ने जन्म स्थान पर हमेशा से पूजा अर्चना कर अपने अधिकार का इस्तेमाल और दावा किया है।
रविदास मंदिर पर दलितों की भावनाओं का आदर हो अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है। दिल्ली में संत रविदास मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर के दलित संगठनों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को कहा है कि इस वर्ग की भावनाओं का आदर किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि दलितों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि बीजेपी सरकार पहले करोड़ों दलित भाई बहनों की सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक रविदास मंदिर स्थल से खिलवाड़ कर रही है, और जब इसके विरोध में देश की राजधानी दिल्ली में हजारों दलित भाई बहन अपनी आवाज उठाते हैं तो बीजेपी उन पर लाठी बरसाती है, उन पर आंसू गैस छोड़ती है और उन्हें गिरफ्तार करती है। पाकिस्तान में नवंबर में शुरू होगा करतारपुर कॉरिडोर। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बावजूद करतारपुर कॉरिडोर इस साल नवंबर तक शुरू होने की उम्मीद है। इस सीमावर्ती गलियारे से सिख श्रद्धालु बिना वीजा के पाकिस्तान स्थित करतारपुर कॉरिडोर मत्था टेकने जा सकेंगे। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में जल्द ही एक बैठक बुलाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान बाबा गुरु नानक जी की 550वीं जयंती पर करतारपुर कॉरिडोर को खोल दिया जाएगा। FATF पाकिस्तान से टला नहीं अभी खतरा, तबाह हो जाएगी अर्थव्यवस्था। आतंकी संगठन की फंडिंग की निगरानी करने वाली वैश्विक संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डाले जाने के बाद अब पाकिस्तान पर एशिया पैसिफिक समूह से ब्लैकलिस्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तानी पैसिफिक ग्रुप FATF से संबंध 9 क्षेत्रीय संगठनों में से एक है। APG की ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में बैठक होने वाली है, जिसमें से पाकिस्तान की आतंकवादी निरोधी कार्रवाई पर मूल्यांकन किया जाएगा। नीतीश कुमार का छल्ला दर्द, कहा बैंक राज्य सरकार की सुनते ही नहीं। बिहार की राजधानी पटना में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक हुई है। इसमें नीतीश कुमार ने बैंकों के रवैये पर अपनी पीड़ा व्यक्त की है। गुरुवार को उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की बात बैंक सुनते ही नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा है कि बैंकिंग सिस्टम पर उन्हें पूरा भरोसा है। इसके अलावा नीतीश कुमार ने कई मुद्दे की भी चर्चा की। इसके दौरान उन्होंने एक बार फिर से विशेष राज्य का दर्जा का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा है कि बैंकिंग शिक्षा को बिहार के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। खाड़ी मुल्कों के सबसे पुराने कृष्ण मंदिर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। खाड़ी मुल्क बहरीन भारत का एक पड़ोसी भी है और पुराना दोस्त भी। यूं तो दोनों मुल्कों के रिश्ते करीबन 5000 साल पुराने हैं, मगर अगले हफ्ते पहला मौका होगा जब भारतीय प्रधानमंत्री बहरीन की जमीन पर पहुंचेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली बहरीन यात्रा, जहां दोनों मुल्कों के द्विपक्षीय रिश्तों की मजबूती पर बात होगी, वहीं से सांस्कृतिक संबंधों की सीखने का भी प्रयास होगा। प्रधानमंत्री मोदी की बहरीन यात्रा का एक अहम मुकाबला होगा 200 साल पुराना श्रीनाथ जी मंदिर भी। इस्लामिक देश बहरीन में बना यह कृष्ण मंदिर खाड़ी क्षेत्र का सबसे पुराने हिंदू मंदिर है। राजकीय संरक्षण से बने इस हिंदू मंदिर के बहरीन का राज परिवार वर्षों तक सांस्कृतिक संरक्षण की एक मिसाल के तौर पर भी देखा जाता है। बहरीन के किंग शेख हमाद बिन ईसा अल खलीफा भी इस मंदिर के संरक्षण में रुचि दिखाते हैं। करप्शन के खिलाफ एक्शन में मोदी सरकार, 312 भ्रष्ट अफसरों को किया जा चुका है जबरन रिटायर। एक्शन पर मोदी सरकार ने ऐलाने जंग पर असर नजर आ रहा है। करप्शन के केस में एक से बड़ा एक शख्स सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है। ईडी और सीबीआई ने एक साथ कई लोगों पर शिकंजा कस दिया है। ऐसे में लोग कहने लगे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने न्यू इंडिया विजन में भ्रष्टाचारियों के लिए कहीं जो जगह नहीं है। पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी से अब यह साफ हो चुका है कि मोदी राज में किसी भी भ्रष्टाचार का बचना मुश्किल है। मोदी राज एक से लेकर के मोदी राज दो तक प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचारियों से निपटने में लगे हुए हैं। ये मोदी का ऑपरेशन क्लीन का असर है कि बीते 5 सालों में 312 भ्रष्ट अधिकारियों को जबरन रिटायर किया गया है। मोदी सरकार ने दूसरी पारी शुरू होते ही भ्रष्ट अफसरों को डायरेक्ट मैसेज किया था कि करप्शन किया तो छोड़ेंगे नहीं। हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम डिपार्टमेंट के 15 वरिष्ठ अधिकारियों को जबरन रिटायर किया गया है। इतना ही नहीं, इनकम टैक्स के भी 12 अधिकारियों की छुट्टी की जा चुकी है। प्रियंका को जावेद अख्तर का भी सपोर्ट, कहा नाराज पाकिस्तान जो चाहे कर सकता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के बाद जाने माने गीतकार जावेद अख्तर भी प्रियंका चोपड़ा के सपोर्ट में उतर आए हैं। जावेद अख्तर ने कहा है कि मैं प्रियंका चोपड़ा को निजी तौर पर जानता हूं, वह सभ्य और शिक्षित है, वह एक भारतीय है। जावेद अख्तर ने कहा है कि अगर एक आम भारतीय नागरिक, प्रियंका चोपड़ा हो या फिर कोई और, पाकिस्तानी प्रतिष्ठित के जरिए में मतभेद और किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसका नजरिया निश्चित रूप से एक भारतीय की तरह होना चाहिए। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के कैबिनेट में मानवाधिकार मंत्री डॉक्टर सिरिल एम मजीरी ने यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को एक खत लिखा था, जिसमें से प्रियंका चोपड़ा को यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर फॉर पीस के पद से हटाने की मांग की गई थी। उत्तर प्रदेश का हर विश्वविद्यालय 5 गांव गोद लेगा। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गुरुवार को कहा है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश का हर विश्वविद्यालय 5 गांव गोद लेगा। राज्यपाल ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहा है कि जल्द ही राज्य का हर विश्वविद्यालय 5 गांव गोद लेगा और हर एक कॉलेज 1 गांव गोद लेगा।
आज का माइंड क्विज क्वेश्चन आ चुका है, भारत की राजधानी क्या है? इसका सही सही आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, और यदि अभी तक आपने नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप देश दुनिया की सारी खबरों से रह सके अपडेट।